हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हम सबकी रसोई विद बबीता। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और इसके साथ मैंने बनाई है चपातियाँ, प्लेन चपाती हैं और बनाना बहुत आसान है, तो चलो हम इसे बनाना शुरू करते। और एक चीज़ और मुझे आपसे कहनी है, हम किसी की नकल या किसी की कॉपी नहीं करते, फिर भी हमारे चैनलों पर कॉपीराइट क्यों आ जाता है? ज़्यादातर मेरे बेटे के चैनल पर आता है, चिल्ड्रंस लाइफ विद अंकित कामत। प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉपीराइट भेजने से पहले प्लीज़ आप एक बार ढंग से चेक कर लें, फिर आप भेजें, ठीक है? और अगर सच में हमसे कॉपीराइट हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, पर हम कॉपीराइट किसी का नहीं करते। तो चलिए हम अपने आलू बैंगन की सब्जी बनाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बैंगन की सब्जी बनाने के लिए मैंने प्याज काट दिया है। ये देखिए प्याज है, मेरे दो बड़े प्याज है, लहसुन है और हरी मिर्च है। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ राई। ये देखिए ये वाली राई, थोड़ा सा जीरा डालती हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी मैं हींग डाल रही हूँ, एक तेज पत्ता डालती हूँ और दो सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये अच्छे से हमारे ब्राउन होने तक हम इसे पका देते हैं। देखिए ये हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें अपने लहसुन का डाल दे रहे हैं। ये देखिए लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च अपने डाल दे रहे हैं। अब मैं ये जब तक अपना मीडियम फ्लेम पे भूजती हूँ और एक तरफ में अपनी सब्जियाँ भी काट लेती हूँ। जब तक मेरा ये भूजेगा मैं अपनी सब्जी भी काट लूँगी। ये देखिए मेरा प्याज लहसुन मिर्च सब भूज चुके हैं अच्छे से। आलू को भी मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया, ज़्यादा बारीक नहीं है, हमें इसी तरह रखने। और ये मेरा दो मेरे मीडियम साइज के बैंगन थे, इन दिनों बैंगन का सीजन है तो आज मैं इनकी सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ, बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी के साथ। तो ये भी मैंने अच्छे से काट लिए हैं और ये भी अच्छे से काट के धो लिए हैं। जब तक मेरा प्याज भुजा है मैंने अपने ये काम करके रख लिए। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, मसाले भूजते वक्त ही मैं अपनी सब्जियाँ काट लेती हूँ। ये देखिए अब मैं इन्हें इसमें 1 से 2 मिनट पका देती हूँ, फिर मैं इसमें अपने बैंगन डालूंगी। ये देखिए मैंने आलू को इसमें 1 मिनट तक भूज लिया है, अब मैं इसमें अपने बैंगन डाल दे रही हूँ और हम इसकी फ्लेम हाई कर देंगे। अब ये बैगन से हमें 5 मिनट तक भूजती हूँ, बीच बीच में चलाती रहूंगी। और एक तरफ मैं अपने मैंने देखिए कुछ टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, बिल्कुल मैंने 5 टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है। जब तक ये मेरा 5 मिनट तक भूजता है मैं इसे काट लेती हूँ और अपना आटा गूंथ लेती हूँ रोटी के लिए। ये देखिए मैंने 5 मिनट तक तेज हाई फ्लेम पे अपनी बैगन आलू भूज लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए मेरे बैगन। और मैंने देखिए झटपट अपने टमाटर काट लिए, धनिया काट लिया और मैंने अपना आटा भी गूंथ लिया है। मैं ज़्यादातर काम ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। तो देखिए मैंने टमाटर डाल दिए, अब मैं टमाटर के साथ इसे बिल्कुल आधा मिनट ढककर भूज लेती हूँ ताकि टमाटर मेरे सॉफ्ट हो जाए। मैंने ढक दिया, फ्लेम बिल्कुल मीडियम है मेरी। ये देखिए मेरी सब्जी अच्छे से आधा मिनट तक मैंने भूज ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने कुछ मसाले। पहले तो मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, डाल दिया हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने हरी मिर्च ज्यादा डाली है, और 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 5 मिनट और मैं इसे
इन मसालों के साथ ढककर मीडियम फ्लेम पे भूज लेती हूँ। देखिए मेरा कलर अभी से कितना अच्छा आ रखा है, ये देखिए, देख रहे हो, ये देखिए। अब मैं इसे 5 मिनट और ढककर भूज लेती हूँ। ये देखिए मेरी सब्जी भूज चुकी है। अब इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी डाल दे रही हूँ। हल्की सी ग्रेवी चाहिए हमें रोटी के साथ खाने के लिए। अब मैं इसे अच्छे से 5 मिनट तक और पका देती हूँ। बस देखिए कलर वलर कितना अच्छा है मेरी सब्जी का। अब मैं इसमें 5 मिनट ढककर और पका लेती हूँ मेरी सब्जी बनकर। और गैस हमें बिल्कुल मीडियम रखनी है। ये देखिए मेरी बैगन की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखो कलर भी कितना अच्छा है। अब मैं इसे उतारने जा रही हूँ। उतारते समय मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जी मसाला, छोटा स्पून है ये, देखिए मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ और गैस अपनी बंद कर देती हूँ। और इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया, मेरी सब्जी बैगन की। मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी है क्योंकि सब रोटी के साथ हमें हल्की ही ग्रेवी चाहिए। मेरी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है ना। तो चलिए आपको ये बैगन की सब्जी पसंद आई होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। इसे मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं किए क्योंकि मैं हमेशा मेरा मकसद यही रहा है कि मैं बिल्कुल इजी तरीके से ही डिशेस बनाऊं ताकि आपको बनाने में भी आसानी हो और मुझे बताने में भी, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पर कभी कभी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, कोई बात नहीं, पर अदरवाइज सिंपल ही थोड़ा अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बन जाती है। और टेस्टी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। देखने में टेस्टी लग रही है तो मेरे मुंह से टेस्टी निकल गया, तो टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ रोटी के साथ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे सपोर्ट जरूर करो। और प्लीज़ थोड़ा और आगे बढ़ाओ और सपोर्ट करो, थोड़ी सी कमी है। तो चलो फिर मिलते हैं एक आसान सी वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।